हाय दोस्तों, तो यार ये 10 से 12,000 वाला सेगमेंट थोड़ा खाली खाली लग रहा था इस साल। अब Realme ने तो अपना Narzo 10 वहां पे लॉन्च कर दिया है, Redmi ने अभी तक कोई नया लॉन्च नहीं किया है, तो ये पिछले साल का Redmi Note 8 ही बेस्ट ऑप्शन है Redmi की तरफ से। तो आज करेंगे इन दोनों का फुल कंपैरिजन, देखेंगे किसमें क्या चीज अच्छी है, क्या चीज खराब है, PUBG किसका बेटर है, कैमरा किसका बेटर है, और अगर आप एक फोन लेने की सोच रहे हो 10-12,000 के सेगमेंट में, तो इन दोनों में से कौन सा बनता है आपके लिए बेटर चॉइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। रुकिए, वीडियो शुरू करने से पहले भूलिए नहीं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहली बात, तो अगर आपको Narzo 10 की एक डेडिकेटेड वीडियो देखनी है इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन से, और यहाँ आई थिंक काफी सिंपल चॉइस है। Redmi Note 8 में आपको ग्लास बॉडी मिल रही है, पीछे भी Gorilla Glass 5 है, आगे भी Gorilla Glass 5 है, और चाहे आप लुक्स की बात करो, चाहे आप इन हैंड फील की बात करो, डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्रीमियम फील होता है ये डिवाइस। Narzo में प्लास्टिक बैक आपको मिलती है, ये एक नया डिजाइन Realme ने ट्राई किया है, पर ऑब्वियसली Note 8 की प्रीमियमनेस ये मैच नहीं कर सकता है। इनफैक्ट आगे की तरफ भी आपको सिर्फ ग्लास 3 मिलता है यहाँ पे। अब प्लास्टिक बैग का एक फायदा आप मान सकते हो कि भाई ग्लास बैग में टूटने का डर थोड़ा ज्यादा रहता है, Narzo अगर गिर भी जाएगा तो टूटेगा नहीं इतना जल्दी। उसके अलावा दोनों फोन में रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर है, दोनों फोन में कैमरा बम्प आपको मिलता है, दोनों फोन में एक्सपेंडेबल स्टोरेज के लिए डेडिकेटेड स्लॉट है, और डुअल 4G सिम्स आप डाल सकते हो। एक एडवांटेज जो है Note 8 के पास कि आपको यहाँ पे इंफ्रारेड ब्लास्टर मिल जाता है, तो आप Redmi Note 8 को टीवी, एसी, इन सब चीज के रिमोट की तरह यूज कर सकते हो। तो मतलब ग्लास बिल्ड है, Gorilla Glass 5 है, इंफ्रारेड ब्लास्टर भी एक्स्ट्रा है, तो बिल्ड क्वालिटी डिजाइन वाला राउंड क्लियरली Redmi Note 8 पे जाता है। एक चीज बस मैं पॉइंट करना चाहता हूँ, Redmi Note 8 अब 4-5 महीने से मेरे पास है, कि डिस्प्ले पे काफी सारी स्क्रैचेस मुझे दिखने लगी हैं ऑलरेडी। और वैसे मतलब मेरे यूज को आप थोड़ा रफ यूज ही मान सकते हो, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी कवर यहाँ पे यूज नहीं किया है, बट आप अगर ये फोन लोगे तो डेफिनेटली आपको मैं कवर रेकमेंड करूंगा। अब आगे की तरफ आ जाते हैं, दोनों फोन पे आपको IPS LCD स्क्रीन मिल रही है। यहाँ पे भी Note 8 के पास थोड़ा सा एडवांटेज है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन की आपको यहाँ पे स्क्रीन मिलती है। वैसे ज्यादातर चीजों में आपको उतना डिफरेंस पता नहीं चलेगा, बट अगर आप टेक्स्ट वगैरह बहुत पढ़ते हो तो थोड़ा बहुत आपको क्रिस्पनेस की कमी लगेगी Narzo की स्क्रीन पे। और ऑब्वियसली दूसरा यूज जो है कि अगर आप मीडिया कंजम्पशन करते हो फोन पे, तो Note 8 पे आपको वाइड वाइन L1 मिल जाता है, आप HD में नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो वगैरह देख सकते हो, वो चीज आप Narzo 10 पे नहीं कर सकते हो। और उसके अलावा स्क्रीन क्वालिटी की बात करूं तो ज्यादा मुझे फर्क यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कलर्स वगैरह ऑलमोस्ट सेम लेवल के लग रहे हैं। ब्राइटनेस में मुझे लगता है थोड़ा सा एडवांटेज है Note 8 के पास। अब स्पीकर टेस्ट भी करके देख लेते हैं, पहले सुनते हैं Narzo 10। तो यहाँ पे Redmi Note 8 का स्पीकर थोड़ा सा बेटर मुझे लग रहा है, लाउडनेस में उतना डिफरेंस नहीं है, पर वो बेस वाली आवाज जो होती है, फुलनेस होती है म्यूजिक की, वो Note 8 में थोड़ी ज्यादा है। परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं, दोनों फोन्स पे हमें 4GB रैम मिल रही है, Note 8 पे 64GB स्टोरेज है, Narzo पे 128GB स्टोरेज आपको मिलती है। दोनों फोन्स में UFS 2.1 नहीं है। प्रोसेसर की बात करें तो Note 8 में Snapdragon 665 हमें मिलता है, Narzo 10 में हमें मिलता है Helio G80। तो वैसे तो Snapdragon 665 भी काफी अच्छा प्रोसेसर है, बट अगर आप सिर्फ पावर की बात करो तो Narzo 10 यहाँ पे थोड़ा आगे निकल जाता है। आप देख सकते हो Geekbench स्कोर्स में भी थोड़ा सा बेटर है। अगर हम बात करें डे टू डे परफॉर्मेंस की, तो ऐसा कुछ आपको ज्यादा फर्क यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, दोनों फोन्स ऑलमोस्ट सेम लेवल का ही परफॉर्म करते हैं। PUBG लोडिंग टाइम भी एक बार चेक करके देख लेते हैं दोनों फोन्स पे। जस्ट थोड़ा सा पहले Narzo 10 पे लोड हुआ। अब ग्राफिक सेटिंग्स की अगर बात करूं, तो Redmi Note 8 पे आप गेम चला सकते हो बैलेंस ग्राफिक्स मीडियम फ्रेम रेट पे, Narzo 10 पे आप HD हाई तक गेम चला सकते हो, और Note 8 पे आप मैक्सिमम हाई फ्रेम रेट तक गेम चला सकते हो, बट Narzo 10 पे आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब एक्सट्रीम फ्रेम रेट का ऑप्शन दोनों में डायरेक्टली नहीं मिलता है, बट GFX टूल से दोनों फोन्स पे ही आप स्मूथ एक्सट्रीम पे खेल सकते हो। एक्चुअल गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑब्वियसली Narzo 10 यहाँ पे बेटर है, जो एक्स्ट्रा फ्रेम रेट आपको मिल रहे हैं उसकी वजह से ज्यादा स्मूथ फील होता है गेम। और इस पे मैंने एक लंबा सेशन भी गेमिंग का करके देखा था, आधा पौना घंटा मैंने लगातार यहाँ पे गेम खेला था, तब भी मुझे ऐसी कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे फेस नहीं करनी पड़ी थी, बहुत ही कभी कभार थोड़े बहुत यहाँ पे स्टटर वगैरह मिलते हैं, बट उसके अलावा PUBG परफॉर्मेंस यहाँ पे एकदम बढ़िया आप मान सकते हो। Note 8 की बात करें तो देखो यार यहाँ पे Snapdragon प्रोसेसर है, तो परफॉर्मेंस यहाँ पे बिल्कुल भी खराब नहीं है, और Snapdragon की अच्छी बात ये होती है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखता है वो, चाहे आप 1-2 घंटा भी लगातार खेल लोगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ड्रॉप होगी परफॉर्मेंस। वो ये यहाँ पे कि ग्राफिक सेटिंग ही इतनी लो चल रही है, और इतनी लो सेटिंग में तो कोई भी प्रोसेसर चला ही लेगा अच्छा, तो थोड़ी बहुत गेमिंग तो आप यहाँ पे भी बढ़िया कर सकते हो, बट अगर आपको हैवी गेमिंग करनी है, टूर्नामेंट्स वगैरह में पार्ट लेना है, तो फिर भाई Narzo 10 एक बेटर ऑप्शन है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो Narzo 10 पे हमें Realme UI मिलता है, Note 8 पे हमें मिलता है MIUI 11, और
यहाँ पे एक एडवांटेज जो है कि नार्जो 10 आता है डायरेक्टली एंड्रॉइड 10 के साथ, नोट 8 अभी भी एंड्रॉइड पाई पे है, ब्लोटवेयर आपको दोनों पे मिलता है, तो जैसे ही फोन लोगे आपको काफी चीजें अनइंस्टॉल करनी पड़ेंगी। MIUI के साथ मुझे एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है कि ये जो नोटिफिकेशन यहाँ पे आती रहती है भाई, रैंडम आंटियों की वीडियो आई लव यू बोल रही है कोई दीदी किसी को, ये सब यहाँ पे भरा रहता है हर टाइम। तो ये मतलब जनरली कोई भी अगर आप रेडमी का फोन ले रहे हो तो जैसे ही फोन लो सारी जो ब्लोटवेयर है सब डिलीट कर दो, जो इनकी अपनी एप्स है जैसे ब्राउजर है, मी वीडियो है, या फिर जो अपना ऐप स्टोर है इसका गेट एप्स नाम का, उन सब की नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। Realme UI में भी ऐसी थोड़ी बहुत चीजें हैं, जैसे यहाँ पे भी इसका ब्राउजर रैंडम नोटिफिकेशन देता रहता है, बट यहाँ पे उतना बड़ा धमाका सा नहीं होता है एकदम नोटिफिकेशंस का। बैटरी पे आ जाते हैं तो Note 8 Pro पे हमें 4000 mAh बैटरी मिलती है, Narzo 10 पे 5000 mAh बैटरी मिलती है। तो बैटरी लाइफ में क्लियरली Narzo 10 के पास एडवांटेज है, यहाँ से आपको 8 घंटे के अराउंड स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा, Note 8 में 6 घंटे मिलता है। वैसे एक दिन पूरा काटने के लिए Note 8 की भी बैटरी लाइफ अच्छी खासी है, बट क्लियरली बेनिफिट तो आपको है Narzo 10 पे। चार्जिंग स्पीड की बात करें तो दोनों फोन पे 18 वॉट चार्जिंग मिलती है, पर Note 8 की चार्जिंग थोड़ी बेटर काम करती है, यहाँ पे आप पहले आधे घंटे में 40% के अराउंड बैटरी चार्ज हो जाती है, जबकि Narzo 10 में पहले आधे घंटे में 20% के अराउंड ही होती है चार्जिंग। पर पूरा 0-100 होने में Note 8 को भी 2 घंटे ऑलमोस्ट लग जाते हैं पूरे। तो बैटरी वाले राउंड में ओवरऑल बोलूंगा Narzo 10 विनर है, क्योंकि बैटरी लाइफ बढ़िया है। पहली चीज आ जाती है कैमराज, और यहाँ पे रियर कैमरा सेटअप तो एकदम सेम है, क्वाड कैमरा सेटअप है, मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल है, इसके अलावा वाइड एंगल और मैक्रो भी आपको मिल जाते हैं। सेल्फी की तरफ आए तो सेल्फी में थोड़ा सा डिफरेंस है, Note 8 पे 13 मेगापिक्सल है, Narzo 10 पे 16 मेगापिक्सल है। Narzo की फोटोज थोड़ी ज्यादा कूल और Note 8 की फोटोज थोड़ी ज्यादा वार्म लगती हैं। जूम इन करके पर अगर आप यहाँ देखोगे तो ये येलो वाले पार्ट में Narzo ने थोड़े क्लीन डिटेल रखे हैं। इस वाले शॉट में बहुत ब्राइट कंडीशंस में दोनों फोन ने बहुत अच्छा काम किया है डायनामिक रेंज मेंटेन करने का, बट जूम इन करके आप देखोगे Note 8 की फोटो में बहुत ज्यादा नॉइज है, क्योंकि ओवर शार्पनिंग बहुत करता है रेडमी। पर ज्यादातर शॉट्स में आपको एकदम कंपेरेबल परफॉर्मेंस दोनों फोन से मिलेगी, वही बस जूम इन करके Narzo की फोटोज थोड़ी क्लीन होंगी, Note 8 में थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉइज होगी। 48 मेगापिक्सल फुल रेजोल्यूशन फोटो दोनों से खींचने की ट्राई करी और यहाँ पे दोनों फोटोज काफी खराब सी आई है। Redmi के पास थोड़ा सा एडवांटेज है यहाँ पे, शायद शार्पनेस का इसको थोड़ा काम हो रहा है। रेगुलर कैमरा से वाइड एंगल कैमरा पे जब आप शिफ्ट करोगे तो दोनों ही फोन्स कंसिस्टेंसी मैनेज नहीं कर पाते हैं, पर Note 8 की फोटो में बहुत ज्यादा कलर टोन शिफ्ट होता है, Narzo का फिर भी थोड़ा कम होता है। पर वाइड एंगल की परफॉर्मेंस में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, डे टाइम में ठीक ठाक फोटोज ले लेते हैं, ऑब्वियसली डिटेल सॉफ्ट होते हैं, मेन कैमरा जितने अच्छे नहीं होते हैं। इस वाली फोटो में आप देखोगे Note 8 ने आसमान को पूरा ब्लू आउट कर दिया है, Narzo फिर भी मैनेज कर पाया है थोड़ा बहुत कैप्चर करना। अब इंडोर लाइटिंग की बात करें तो ऊपर से देखने में यहाँ पे Note 8 की फोटो ज्यादा ब्राइट लग रही है, पर जूम इन करके थोड़े सॉफ्ट लग रहे हैं, वहाँ डिटेल्स Narzo उसमें थोड़ा बेटर है। मेन कैमरा से सेम शॉट लेना ट्राई किया, यहाँ पे क्लियरली Note 8 ने बहुत बेटर काम किया है, ब्राइट भी है फोटो ज्यादा और डिटेल्स भी बहुत बेटर है, Narzo में बहुत ज्यादा सॉफ्ट आए हैं डिटेल्स। अब नाइट मोड से भी सेम शॉट लेना ट्राई किया और यहाँ पे Redmi की फोटो में उतना इंप्रूवमेंट नहीं दिखता, बट Narzo की तो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है। अब बिल्कुल ही लो लाइट की बात करें तो अगेन इस वाले शॉट में आप देखोगे Narzo की फोटो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, Note 8 ने काफी बेटर यहाँ पे काम किया है। फ्लैश के साथ ये वाली फोटो लेने ट्राई करी और यहाँ पे अगेन Note 8 की फोटो बहुत ज्यादा क्रिस्प है, Narzo थोड़ी सॉफ्ट है। वाइड एंगल तो दोनों ही फोन्स के एकदम बर्बाद हो जाते हैं लो लाइट में, बट अगर फ्लैश के साथ यही फोटो ट्राई करी इसमें आप देखोगे Narzo 10 के वाइड एंगल ने थोड़ा बेटर काम किया है, काफी इवनली लाइट अप किया है पूरे सीन को। अब ये फाइनल लो लाइट शॉट और यहाँ पे तो ऊपर से देख के ही आपको लग रहा होगा Note 8 की फोटो बेटर है, Narzo की फोटो ऊपर से ही नॉइजी लग रही है। Note 8 में वैसे ओवर शार्पनिंग आपको दोबारा दिख रही है, बट Narzo 10 की फोटो तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। अब नाइट मोड ऑन करके अगेन सेम चीज नोटिस करी, Narzo 10 की फोटो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है, कलर्स इंप्रूव हो गए हैं, डिटेल्स बहुत ऐड गए हैं, Note 8 की फोटो मोर और लेस सेम लेवल की ही लग रही है। सेम शॉट वाइड एंगल से लेके देखा तो यहाँ पे फिर से Note 8 के वाइड एंगल ने थोड़ा बेटर काम किया है कलर्स और डिटेल्स का। अब दोनों फोन पे आपको मैक्रो सेंसर मिलते हैं और यहाँ पे तो मुझे जूम इन करके दिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्लियरली Note 8 का मैक्रो कैमरा बेटर है, ज्यादा पास से भी फोकस कर पाता है और ज्यादा क्रिस्प यहाँ पे डिटेल्स कैप्चर कर पाता है। फाइनल चीज आ जाते हैं सेल्फीज पे, तो इस फोटो में आप देखोगे Note 8 में थोड़ी प्लीजिंग लग रही है फोटो, बट पीछे पूरा उसने ब्लो आउट कर दिया है स्काई। Realme ने थोड़ी बेटर यहाँ पे मैनेज करी है डायनामिक रेंज, बट एक चीज मैंने नोटिस करी कि Narzo की सेल्फीज में ग्रीनिश ब्लूइश सी काफी टिंट हो जाती है,
नोट 8 में थोड़ी वार्म और अच्छी सी टोन्स होती हैं, पर नोट 8 क्लियरली स्ट्रगल कर रहा है डायनेमिक रेंज में और ओवर शार्पनिंग भी यहाँ पे बहुत हो रही है। नार्जो 10 उन दोनों चीजों में बेटर है। बस ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, नार्जो की सारी सेल्फीज में मुझे थोड़ी ये ब्लूइश सी टोन मिली। लो लाइट सेल्फीज की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही फोन काफी सफर करते हैं। विद फ्लैश के साथ आप देखोगे अगेन नार्जो ने बहुत अजीब सी यहाँ पे कलर प्रोसेसिंग करी है। नोट 8 की फोटो में एटलीस्ट मेरी स्किन टोन काफी नेचुरल आई है। अब ह्यूमन सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो रियर कैमरा पोर्ट्रेट में भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, कटआउट स्किन टोन सब यहाँ पे ऑलमोस्ट बराबर सी लग रही है। किसी किसी फोटो में बस आप नोटिस करोगे कि नार्जो 10 की फोटो थोड़ी सॉफ्ट लगती हैं और वही नोट 8 थोड़ी क्रिस्प लगती हैं शार्पनिंग की वजह से। वीडियो रिकॉर्डिंग पे आ जाते हैं तो नोट 8 के पास यहाँ क्लियर एडवांटेज है, यहाँ पे आप 4K 30fps वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, नार्जो में आप सिर्फ 1080p वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और नोट 8 की वीडियो ज्यादा क्रिस्प और ज्यादा स्टेबल लग रही है। यहाँ पे 1080p 60fps वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं नार्जो 10 और Redmi Note 8 में। आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों फोन में कैसी पिक्चर क्वालिटी आपको मिल रही है, डायनामिक रेंज कैसी मिल रही है, कलर्स कैसे मिल रहे हैं और साउंड रिकॉर्डिंग किस टाइप की मिल जाती है। 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग में भी मेरे को लगता है Note 8 के पास एडवांटेज है और इनफैक्ट अल्ट्रा वाइड एंगल की भी अगर आप वीडियो देखोगे नार्जो पे काफी जिटरी सी आई है और डिस्टॉर्शन भी हो रही है। Note 8 ये चीजें बहुत बेटर हैंडल कर रहा है। अब सेल्फी कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं Redmi Note 8 और Narzo 10 में। आप देख सकते हो यहाँ पे कैसी पिक्चर क्वालिटी मिल रही है, स्टेबलाइजेशन किस टाइप की मिल जाती है। Note 8 की सेल्फी वीडियो इतनी ज्यादा वार्म कर दी है, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है मैंने एक फिल्टर लगाया हुआ है। Narzo ने भी बहुत कूल करी है बट फिर भी नेचुरल टोन के थोड़ी ज्यादा क्लोज है। तो ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस की बात करूं तो Note 8 के पास जो एडवांटेजेस है कि आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, मैक्रो कैमरा यहाँ पे बेटर है और लो लाइट परफॉर्मेंस बेटर है। Narzo के पास जो एडवांटेज है कि सेल्फीज थोड़ी सी बेटर है और डे टाइम में थोड़ी सी बेटर फोटोज लेता है। अब जैसा आपने देखा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है कैमरा परफॉर्मेंस में, दोनों में से आप कोई सा भी कैमरा चूज करोगे ऑलमोस्ट आपको सेम एक्सपीरियंस मिलेगा। बट एक विनर अगर मुझे चुनना हो तो शायद थोड़ा सा मैं Note 8 की तरफ टिल्टेड हूँ क्योंकि कंसिस्टेंसी थोड़ी बेटर है, दिन में भी अच्छी फोटो ले रहा है, रात में भी अच्छी फोटो ले रहा है। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है तो जी कैम पोर्ट आपको इसके बहुत आसानी से मिल जाएंगे और जी कैम यूज करने के बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस और ज्यादा अच्छी हो जाती है। Narzo 10 में भी शायद आ जाए जी कैम जल्दी ही, बट वही है कि मीडियाटेक प्रोसेसर वाले फोन का थोड़ा सा डाउटफुल रहता है सीन। अब इसके अलावा जो कॉल क्वालिटी वगैरह है ऑलमोस्ट सेम लेवल की है, फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक सब सेम लेवल के काम करते हैं मोस्टली। Note 8 वैसे तो लॉन्च हुआ था 10,000 रुपए में, अभी इसका प्राइस पर बढ़ बढ़ के 11,500 हो गया है, उससे सिर्फ 500 रुपए एक्स्ट्रा में आपको Narzo 10 मिल जाएगा। Narzo के पास क्या बेनिफिट्स हैं, एक तो ज्यादा स्टोरेज आपको मिल रही है, गेमिंग परफॉर्मेंस आपको बेटर मिल जाएगी, बैटरी लाइफ आपको बेटर मिल रही है और सेल्फीज में मैं कह सकता हूँ शायद थोड़ा सा बेटर है। Note 8 के पास क्या एडवांटेजेस मिल रहे हैं, इंफ्रारेड ब्लास्टर आपको मिल रहा है, डिजाइन यहाँ पे थोड़ा बेटर है, डिस्प्ले आपको फुल एचडी रेजोल्यूशन की मिल रही है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग इसके पास है और लो लाइट कैमरा परफॉर्मेंस यहाँ पे बेटर है। तो अब सवाल आ जाता है इन दोनों फोन में से कौन सा फोन एक बेटर पैकेज है। खैर वैसे तो मैं Narzo 10 चूज कर लेता बट इस फोन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 720p स्क्रीन, मतलब अंडर 10,000 के प्राइस रेंज में आप फिर भी समझ सकते हो बट 12,000 के प्राइस में मेरे हिसाब से फुल एचडी स्क्रीन होनी चाहिए थी। यहाँ पे Note 8 अपने ओरिजिनल प्राइस के हिसाब से बहुत ही बढ़िया पैकेज था बट अभी 11,500 इसका प्राइस हो गया और उसके हिसाब से मुझे लगता है गेमिंग परफॉर्मेंस में थोड़ा ये लैक करता है। ये कॉम्प्रोमाइजेस अगर आपको नहीं करने हैं तो मेरे हिसाब से इस प्राइस में इस टाइम सबसे अच्छा ऑप्शन जो आप कंसिडर कर सकते हो वो है Vivo U20। फुल एचडी स्क्रीन भी है, गेमिंग परफॉर्मेंस भी बढ़िया है, बड़ी बैटरी है, फास्ट चार्जिंग है, कैमराज भी सही है, बट उसकी प्रॉब्लम है कि वहां पे फन टच OS मिलता है जो एक बहुत ही अजीब टाइप की स्किन है और Vivo के सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह Realme Redmi लेवल के नहीं होंगे। तो अगर उस चीज से आपको इतनी दिक्कत नहीं है तो आप Vivo U20 कंसीडर कर सकते हो, वरना सेम प्राइस रेंज में आप पिछले साल के कुछ ऑप्शंस कंसीडर कर सकते हो जैसे Realme 3 Pro है, Redmi Note 7 Pro है, दोनों में आपको फुल एचडी स्क्रीन मिल जाएंगी, गेमिंग परफॉर्मेंस बढ़िया मिल जाएगी और कैमरास भी उनके बहुत बढ़िया है। बस उनकी प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे ये क्वाड कैमरा सेटअप आपको नहीं मिलेगा, मैक्रो वाइड एंगल ये सब आप नहीं कर पाओगे। अगर Narzo 10 का प्राइस 1,000 रुपए कम होता, 11,000 में होता तो फिर मैं इसको डेफिनेटली कह सकता था कि आप इसे खरीद लो, बट 12,000 के प्राइस पे मैं आपको तभी रेकमेंड करूंगा ये फोन अगर आप बिल्कुल भी उससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते हो अपना बजट, क्योंकि 12 का अगर आप 13 या 14 कर दोगे तो बहुत ही सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे, Realme 6, Realme 5 Pro, Redmi Note 9 Pro, बहुत ही सारे ऑप्शंस हैं मतलब 14,000 तक तो, जिसमें आपको हर चीज बहुत बेटर मिल जाएगी। पर अभी के लिए भाई इन दोनों में से चूज करना हो तो बिल्कुल साफ रिजल्ट है, अगर आपको बहुत ज्यादा गेमिंग करनी है तभी आप Narzo 10 पिक करना, अगर गेमिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो बाकी हर चीज के लिए मेरे हिसाब से Redmi Note 8 एक बेटर ऑप्शन है। आप बताओ आपके क्या ख्याल है दोनों फोन्स के बारे में और कौन सा फोन है इस प्राइस रेंज में जो कंसीडर किया जा सकता है, और कुछ सवाल हो आपके तो नीचे कॉमेंट में छोड़ देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।